click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. So, we are going to play a game. All of us are together. Okay? This is not about your horoscope or your event. It is of everybody around you. Your relatives, your neighbor, your chai wala, your kaam wali boy, uske life mein kya. Okay? This should be able to predict the past or the present. Future to hum log predict karke fayda nahi hai, fark nahi padega, verification. Okay? So we are going to use basics and see ye hamare agar 100 log jo hai hamare zindagi mein mujhe nahi jaanta agar aapke life mein aata hai hamari bolta na haal ye iske life mein hua. We will try to predict the future. राशि चार्ट वी विल ट्राई टू प्रेडिक्ट. ओके बेटा एकदम आप लोगों को कुंडली याद हो गया, लेकिन एक ही कंडीशन में हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हम सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ और नहीं बोलेंगे. इवन इफ इट इज मेरा आपने बोल करेक्ट, क्योंकि हम बाजू वाले का प्रेडिक्शन नहीं बोल रहे. तो मैंने अगर बोला कि भाई थोड़ा इंटीमेट क्वेश्चन भी बोल, मेरा फर्क नहीं है. आफ्टर सेवन अवर आई नॉट इवन रिमेंबर योर नेम. जैसे हमने अक्टूबर 2014 में दिल्ली में वर्कशॉप किया था, नाव साहब के लिए काफी स्टूडेंट्स आए थे, एक्शन मतलब ठीक है, भेज दीजिए थोड़ा स्टूडेंट अच्छा रहेगा, थोड़ा पैसा 2030 उसमें भेजा था. तो उसमें हमने प्रेडिक्शन किया कि भाई आपने अपने बीवी को चीट किया है. एडमिट हक होता ना 150 लोग के सामने एडमिट करना, के बाद मैंने कस्टमर इंसान को देखा नहीं मेरे कोई वर्कशॉप. किसके पिताजी या गुरु अभी बीमार है, क्या उसका एक्सीडेंट हो गया, क्या बीमार, क्या हॉस्पिटलाइजेशन, सॉरी किसमें चलो गुरु किसी या किसी और का पिताजी, गुरु गुरु. ओके तो गुरु का भी ऐसे तो मैं चीटिंग नहीं किया है, लॉजिक है, लॉजिक है कि नहीं है, दिख रहा है आप लोग को. ओके किसी का ब्रदर इन लॉ हॉस्पिटलाइज है या उसको पैरों का प्रॉब्लम है, पैरों का यस क्या है स्टोरी क्या करेक्ट.
यहाँ पे कोई तो 18th ईयर रनिंग रनिंग का समझते है ना, जीरो आज पैदा हुआ एक साल तक योर वन ईयर रनिंग, 18th ईयर में बीमार हुआ और एक्सीडेंट हुआ, बीमार हुआ क्या बीमारी हुआ जॉइंट इश्यू, 18th ईयर प्लस हो चुका कोई यहाँ पे 50 के ऊपर है, 51st ईयर याद है, चल रहा है ना, कितना महीना हो गया, करीबन 51st ईयर का इवेंट याद है, चलो इसके 4-5 प्रेडिक्शन ओके। आपके 51st ईयर में कितना लोगों ने आज पढ़ किया था, बाकी सब जान गए, आपके 51st ईयर में कोई आपके फैमिली में बीमार गिरा था या एक्सीडेंट हुआ था, योर ब्रदर वॉज हॉस्पिटलाइज विद अ हार्ट अटैक, संडे को ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पूरा डैमेज हो गया, कार डैमेज, मेरा फोटोग्राफ ले रहे हो कि आपका फोटोग्राफ, दोनों का स्कूल का इंसल्ट भी करते हैं बाद में मालम भी लगाते हैं, बुला बुला नहीं बोलते इसका फोटोग्राफ, चलो 51st ईयर में किसका बहुत बुरा वक्त आया रहेगा, बहुत बुरा वक्त, माय नेक्स्ट प्रेडिक्शन वॉज फादर, पकड़ में आ रहा है मैं क्या यूज कर रहा हूं, फादर की प्रॉपर्टी, फादर की प्रॉपर्टी में कोई बहुत बड़ा, फादर की प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा चोल चल रहा है, मैं बीसीपी नहीं हूँ, अभी वो युवराज जी करते हैं, मैं तो त्याग दिया, डाइवोर्स नहीं, क्योंकि एक टेक्निक को डाइवोर्स नहीं करेगा तो दूसरा टेक्निक नहीं आएगा ना, हेलो ये क्या लेके आए हो, तो सबको हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, ज्योतिष महिला होना चाहिए खाना बाद में और बीवी भी बाद में, 51st ईयर में क्या हुआ फादर का, आपने नहीं पकड़ा मैं कैसे प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, गुली का बंदी के 9,000 Let us first at least see, देखो आप लोग
तो अगर मैं 10 प्रेडिक्शन करता हूं उसमें एक राइट आया तो एटलीस्ट आपको थोड़ा भरोसा टेक्निक पे आएगा, आप समझ, थोड़ा तो भरोसा आएगा ना। तो फर्स्ट आप तो मेरे पे विश्वास आना चाहिए कि हाँ भाई इससे कुछ सीख सकता है, क्योंकि आज तो आप खाली हिंट ऑफ ए टेक्निक मिलने वाला है। बाकी माय बेस्ट फ्रेंड तनु मित्तल ने बोल दिया डिस्काउंट दे देना, तो मैंने बोला ओके दे दूंगा। लिखो उसको जरा फेसबुक पे लिखो थैंक यू सो मच गेट वेल सून, ऐसा कुछ बोलना चाहिए। 51st ईयर में किसी के बच्चे के लाइफ में बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, स्पेशली फाइनेंशियली एंड फैमिली लाइफ। सिस्टर इन लॉ सन गॉट मैरिड साइमल्टेनियसली डैमेज, दैट मीन्स फैमिली लाइफ क्या, आपके भतीजे की शादी, अभी यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं, ओके 10 पीपल विद इन द लास्ट हाफ एन आवर हैव गॉन टू द वॉशरूम एंड डन सुसु यूरिन, जो भी बोलते हैं व्हाट इज द करेक्ट वर्ड, ओके यस और नो, आज ऊपर करो, रुको रुको मिनिमम टाइम छट्टा जी के साथ सिगरेट पीना, हाँ मैं सिगरेट पीना, मैं मुझे यार खाली ना मेरे बीड़ी वर्ड बाद में बता दें, बीड़ी नहीं, अगर मैं बीड़ी पी रहा या किसी ने बीड़ी पिया वो दिखना चाहिए आप राइट और रॉन्ग, आई एम गॉड ना यू आर गॉड, 7 billion में इवेंट्स दिखना चाहिए ना, यस और नो। चलो अभी थोड़ा चीटिंग करते हैं, थोड़ा तो चीटिंग होना चाहिए ना। अच्छा अभी देखो इधर किसी का 32nd ईयर में याद करो एक घर बसा है, ओके या घर खरीदा है और उसके बच्चे के लाइफ में वो या तो घर खरीदने के बाद, ओके आफ्टर बाइंग द हाउस सम इवेंट इन द चाइल्ड्स लाइफ, उसके चाइल्ड 32nd ईयर में किसी ने घर लिया, आपने लिया, आपने लिया, यू हैव टेकन, यू हैव टेकन, ओके यू आर ऑल्सो टेकन, या तो 6 जन होना चाहिए या 12 जन होना चाहिए, चलो छोड़ो यू ऑल्सो गॉट, चार टाइम की बात याद है, 5 और कोई, सॉरी तो वही तो है मैंने बोला अभी घर बिल्ट ए हाउस या घर लिया है वन एंड द सेम, टेक्निकली मत जाओ यार, 6 जन हो गया और किसने लिया, सर मेरा प्रेडिक्शन राइट है, ताली मारो मदारी का तमाशा है, बहुत सच्चे प्रेडिक्शन का, 6 जन ने घर लिया है, 6 पीपल हैव बॉट ए हाउस एंड दैट टू 32nd ईयर, ये तो है ना, देखो क्या हो जाता है, हाउ डिड आई नो व्हाट, वही तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू टेल यू that if you are going to
I'm a girl. Your son wants to marry me. So you will test me first, na? बेटे खाना बनाते हो कि नहीं तुम तो खाना खाने के लिए खाना पहले खाओ मेरा फिर तुम शादी में दोगे ना फैक्ट है कि नहीं फैक्ट है यू हैव कम टू लर्न फ्रॉम मी भाई कुछ एक टेक्निक अगर आपको सीखना है वो टेक्निक में दम है कि नहीं है वो टेक्निक सिखाने को तो जिंदगी लग जाएगा मैंने वो टेक्निक सिर्फ दो जन को सिखा उसमें से ये इंसान है और ये प्रश्न कोर्स यहाँ पे सिखा रहा है और अभी ऑनलाइन चालू हो जाए पूरी जिंदगी में मैंने सिर्फ दो जन को सीखा वो भी एक दिन गुस्सा आ गया था तो मैंने बहुत अच्छा सीखा था पॉइंट इज सी योर अंडरस्टैंडिंग योर अंडरस्टैंडिंग द सुपर पॉइंट मेथड दिस इज योर राशि चार्ट द चार्ट ऑफ द मोमेंट आई एम नॉट इवन यूजिंग दिस सिटी बट 32nd ईयर सिक्स पीपल आई बॉट अ हाउस एंड ओनली थ्री पीपल रेज देयर हैंड फर्स्ट Then the fourth, then fifth, then sixth. And I was telling either there should be six or 12. छह या बारह लोग खरीदना चाहिए गलती कैसे हो गया समझ रहे काफी बार हमें याद नहीं आता तो आपको बाद में याद आया okay? I am not worried about that prediction is useless for me. What is important for me is asking After buying that house, वो घर खरीदने के बाद आपके बच्चे के जिंदगी में कुछ हुआ वो मुझे जान क्या हुआ सोच के जवाब भले छह महीना आठ महीने एक साल बाद जो भी यू हैड अ बेबी उसको बच्चा हुआ घर खरीदने के बाद दैट इज अ प्रेडिक्शन सॉरी ऐसा नहीं कि आपने घर आज देखा और खरीदा थोड़ा बहुत तो देखा रहेगा दैट मीन्स व्हाट द इवेंट व्हाट इज द बॉटम लाइन ऑफ द थर्ड Both the events are linked to each other. Your father-in-law died. Father. The father-in-law becomes your father. Right? No. Yeah, after marriage, father-in-law becomes father. Actually, Hindu and Hindu. Yes. Please, I understand. Actually, your father-in-law. But did you tell me? फ्लो चले जाएगा फ्लो चले जाएगा हेल्प कर उसको हाँ किसका फादर इन लॉ एक्सपायर हुआ ठीक है मेरे को समझा क्या होगा मीन्स मेरा मैंने वो मैं उधर तक पहुंचा ही नहीं था बट वो भी पॉसिबल है लेकिन वो चलो छोड़ो मेरे को मेरे वेरिफिकेशन के लिए आई लर्न आई प्रेडिक्ट फॉर माई सेल्फ नॉट फॉर एनीबडी एल्स लेट्स नाउ गो फर्दर अच्छा बाकी तीनों के लाइफ में बच्चे को कुछ लेके कुछ नहीं हुआ हेलो कुछ नहीं हुआ नो इवेंट एट ऑल अच्छा सॉरी रूटीन ओके बेसिक्स मेरे को आता नहीं है बिकॉज़ आई डू नॉट लर्न सिस्टमैटिक दैट इज माय प्रॉब्लम मैं काफी बार कितना फोन करके इसको पूछता हूँ बेसिक्स का मेरे को नहीं आता मैंने सीखा नहीं सिस्टमैटिक मैंने ये गलती किया ना ये इंटरनेट व्हाट्सएप फेसबुक कोई गलती किया ना थोड़ा इससे सीखा थोड़ा इससे सीखा थोड़ा उससे यू नो तो उसमें क्या होता है आपका सिस्टमैटिक लर्निंग है तो उस इंसान को इज अवर वॉलंटियर फ्रॉम चेन्नई उस इंसान को
एनीवे फॉरगेट उस इंसान उसका हॉरोस्कोप दिखाना था पर फिर कोड फिर गायब था उस इंसान को 24वें साल में सात लोग खड़े थे उसके साथ उसमें से दो लोग मेरे साथ तभी जब मैंने प्रेडिक्शन किया वो रूम में थे ओके ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहा 24वें साल में वो शिरडी से पहले ढूंढ गया दंड करके जगह है ट्रेन उधर रुकता है उधर का वो जा रहा था ब्रिज के उधर से इन लोग सब रुके थे वेटिंग फॉर द कार और व्हाटएवर टू कम ऊपर से एक आदमी साई बाबा के इसमें अगर वहां पे आप शिरडी जाओगे तो काफी लोग ऐसे रहते हैं आया और इसको एक चीज दिया और चला गया बाकी लोगों को कुछ चला गया सब लोग ऐसा देख रहे हैं कोई आके आकर आपको कुछ देता है ऊपर से ऐसा ड्रेस्ड अप है सब लोग इसको देख रहे हैं या अभी ब्रिज के ऊपर चलते जा रहे हाफ वे थ्रू द ब्रिज द कंप्लीट बॉडी डिसअपीयर सॉरी गायब हो गया इन लोगों का आंखों के सामने गायब हो गया ऐसा भी नहीं कि टर्निंग पे गायब हुआ ऐसा होता ना ब्रिज का टर्निंग लिया फिर चला गया फिर इन लोग भाग के गया देखा कि है कि नहीं है वो भी नहीं किधर और छुप गया रहेगा हाफ ब्रिज ऐसा है इधर तक पहुंचा चढ़ रहा है ऊपर इधर तक पहुंचा गायब अब ये एक आदमी के लाइफ में कितना बड़ा इवेंट कितना बड़ा अब समझ तो ये बेसिक्स होता है आप लोग बहुत एडवांस लेवल तक पहुंच गए जो नॉलेज आप लोगों के पास है ना ट्रस्ट भी मेरे पास है ही नहीं ऐसा बोलने के लिए नहीं बोलते मैं कितने लोगों को जाता हूं लोग कितना कितना क्लासेस पे जाते हैं वो है ही नहीं मेरे पास आई डोंट हैव दैट पॉइंट आई हैव ओनली नॉलेज ऑफ बेसिक्स थोड़ा कितना नेक्स्ट साइंस आउट बाकी बेसिक्स तो आता नहीं तो वो कुंडली में एक कारक का को लेके मेरा झगड़ा हो गया माय बेस्ट स्टूडेंट बोलेगा तो अरे क्या प्रिडिक्शन करते रहो लेकिन क्या होता है जब आदमी ज्यादा प्रिडिक्शन करते घमंड हो जाता है फिर गुरु का बाप बनता है वो गुरु का गुरु भी बन जाता है आजकल फिर मैं एक दो लोगों ने बोला है कि उन लोग ने उनके गुरु के साथ झगड़ा करके बाद में बोल दिया मैं तुम्हारा गुरु तो ये होता है मैं बोल रहा हूं तुम यहां पे देखो ना राहु राहु जेमिनी पारवागर बेवड़ा कि नहीं बेवड़ा कौन बेवड़ा भाई ना सिबलिंग यहां पे मिनिमम तीन लोग रहेंगे वो सेल्फी एडिक्ट खुद का फोटो लेने का बस सुबह सेशन मिनिमम कोई तो हाथ ऊपर करो एडिक्शन हर 15 मिनट लेना दैट इज एडिक्शन मेरे को हर 15 मिनट में सिगरेट चाहिए मैं एक जन को जानता हूं उसका नाम नहीं लूंगा आप लोग समझ रहे हो फिर ओके हु कैन एडमिट दिस ऑल ऑफ अस हैव सेक्स But in the last few days, someone had sex with the spouse, and during that sex, or just maybe immediately after that, there was a fight, and the spouse talked about. Suppose तुम मेरा बीबी है, okay? तो हमने sex किया, fight हुआ, and the fight was about
तुम बीबी है तो तुम्हारा पापा तुम्हारा बॉयफ्रेंड हाँ भी मेरा झगड़ा इसके साथ हो रहा है सपोज मैंने मेरे बीवी के साथ झगड़ा किया सेक्स किया झगड़ा हुआ सेक्स के बाद झगड़ा हुआ है किस वजह से झगड़ा हुआ रिगार्डिंग हर बॉयफ्रेंड आप समझे ऐसा यहाँ पे या नेबर्स का या कोई फ्रेंड का ऐसा हुआ था कोई फ्रेंड आपको कभी कभी शेयर करता है कोई फ्रेंड ऐसा बता देता ना हुआ था कि नहीं हुआ था सॉरी द प्रेडिक्शन इज सम ऑफ आवर फ्रेंड्स वुड हैव हैड आप लोग एडमिट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले कोई नहीं करेगा राइट जो टेक्निक में रिवील करने वाला हूं उस पर तुम लोग सच नहीं बोलेगा तो फिर मैं क्या करेगा चलो नो प्रॉब्लम किसी के पिताजी ने रिसेंटली शॉर्ट ट्रिप पे गया है ओके और इट कुड ऑल्सो बी ए स्पिरिचुअल ट्रिप ओके और और हाँ नहीं वो नहीं इसमें क्योंकि मैं कुछ और देख रहा हूं 9th हाउस को लेके कुछ हुआ है और शायद है ना शायद उसको कुछ चलो इतना तक ही पकड़ो हाँ अरे मैंने प्रेडिक्शन नहीं किया लेकिन टेक्निक काम करते कि नहीं करते क्या मेरे गुरु में ताकत है और किसी के पिताजी का हुआ है ऐसा ट्रिप में कोई प्रॉब्लम हुआ ट्रिप स्टार्ट होने में या ट्रिप प्लान करने में अच्छा अभी सुनो ये भी ब्रॉड हो जाता है छोड़ो किसी का 18th ईयर में किसी का 18th ईयर में उसके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ चीटिंग भाई